चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध हथकड़ी शराब के निर्माण बिक्री के अड्डों तथा शराब माफियाओं को चिन्हित कर अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कई थाना अधिकारियों द्वारा अवैध देसी हथकड़ी शराब के निर्माण और विक्रय के अड्डों पर दबिश देकर भारी मात्रा में वहां पर ड्रमों, केनों और मटकों में भरे हुए अवैध शराब बनाने के काम में आने वाले 5,950 लीटर मौवे के वोस को तथा शराब निर्माण की 35 भट्टियों को नष्ट किया गया तथा 60 लीटर अवैध देसी हथकड़ी शराब और 301 पौवे अवैध देसी अंग्रेजी शराब के जब्त कर कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 को नामजद कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किए गए। नवबारा समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट।